नौजवान की फोरस्टार हलाकत। चौंक इलाके में 23 साल नौजवान की लाश तनूर से मिली, जहां भक नौजवान की शनाख्त नवीद के नाम से हुई। डीएसपी चौंक के मुताबिक लाश के पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मालिक ही मुलाजिम का कातिल निकला। जुबली टाउन में शहरी के घर से लाश मिलने का मुयम्मा हल। पुलिस ने मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार कर लिया। रायविंड के इलाका में 15 साल तालिब इल्म को कत्ल करने वाले मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म। गालिब मार्केट पुलिस ने कार्रवाई करके मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम तनवीर से भारी मकदार में मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पोश एरिया में बच्चों को कतरे पिलाने का मामला। जिले इंतजामिया का प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में पोलियो डेस्क बनाने का फैसला। डीसी लाहौर सालेहा सईद कहती हैं, जिले इंतजामिया सरकारी वैक्सीनेशन अस्पतालों को मुहैया करेगी। 25 से 28 मार्च तक पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। कोटलकपत जेल में आज बड़ी मुलाकात। बिलावल भुट्टो दोपहर 2:30 बजे जेल में नवाज शरीफ से मिलेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा, मुस्तफा नवाज खोकर, हसन मुर्तजा और जमील सोमरो भी हमरा जाएंगे। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ की बीमारी पर इजहार तशवीश। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ से मिलूंगा। मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ अलील हैं, इन्हें मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए। मुल्क पर खतरात मंडला रहे हैं। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर हर तरह के इलाज की पेशकश। इलाज के लिए हुकूमत तआवुन करेगी। हुकूमत पंजाब का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को खत मौसूल। जेल हुकाम ने खत नवाज शरीफ को आज जेल में मौसूल कराया। नवाज शरीफ ने खत के जवाब के लिए चंद रोज का वक्त मांग लिया। नवाज शरीफ की सेहत का मामला वजीर आजम के अहकामात पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की कोटलकपत जेल में साबिक वजीर आजम से दूसरी मुलाकात। पीआईसी के डॉक्टर प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर साकिब शफीक ने साबिक वजीर आजम का चेकअप किया। डॉक्टरों की अद्वियात में तब्दीली की तजवीज। हुकूमत का हेल्थ यूनिट के बाद जेल में एक्सरसाइज साइकिल फ्राहम करने का भी फैसला। मांगे तांगे से घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा। हुक्मरान सब्ज बाग न दिखाएं, कौम का दिल टूटता है। मौजूदा हुक्मरानों को भी हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत को कहा कि मुआशी एजेंडा लाए, वो चोर और डाकू कहने लगे। हमजा शहबाज की जामिया नईमिया आमद, तकरीब से खिताब। मुखालिफीन ने मेट्रो बस को सफेद हाथी कहा। अवाम आज दुआएं दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का जामिया नईमिया में तकरीब से खिताब। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का मुलाजमीन को भी सेहत कार्ड जारी करने का असूली फैसला। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, वजीर आजम के अहकामात पर सेहत कार्ड का अमल जल्द मुकम्मल करेंगे। नया पाकिस्तान साफ बनाओ। वजीर आजम के दौरे लाहौर में अहकामात पर अमल दरामद शुरू। पंजाब हुकूमत का 18 मार्च से हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुजदार सफाई मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। साबिक वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी नैब के शिकंजे में। लीगी एमपीए चौधरी शहबाज पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। डीसी लाहौर को खत, चौधरी शहबाज के नाम जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से वजीर दिफा परवेज खाटक और नईमुल हक की मुलाकात। हुकूमती और सियासी अमूर और बीबी पाक भारत कशीदगी से मुतालिक गुफ्तगू। कौम फौज और हुकूमत के साथ है, भारत की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। भारतीय मजालिम पर आलमी इदारों की खामोशी परेशान कुन है। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी सरवर की बीबी पाक दामन आमद, मजार पर चादर चढ़ाई फातह खाने की।
सादसा के लिए बड़ी खबर, अब तबादलों के लिए किसी सिफारिश और न दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत। पंजाब हुकूमत का असाध्य के तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। करप्शन के खात्मे के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम का आगाज जल्द हो जाएगा। बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाना असाध्य की नहीं महकमों की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब का ट्वीट, ऐसा निजाम लाएंगे कि कोई बच्चा माली अदम तहफ़ के बायस तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मुखय्यर हजरात हुकूमत पर अतमाद ना होने के बायस टैक्स नहीं देते। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का आवारी होटल में तकरीब से खिताब। वजीर इतलात ने कहा, सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय अवामी खिदमत में मुकाबला करें। मुल्क में तब्दीली के लिए तालीम के मैदान में तब्दीली लाना होगी। इख्तलाफ तरक्की की बुनियाद है। मुआशी तौर पर तरक्की ना कर सके, लड़ने के लिए भी गैर मुल्की जहाजों की जरूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का तकरीब से खिताब। डीजी एक्साइज छुट्टी के दिन भी इनएक्शन। महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास। नाकिस कारकर्दगी पर 20 ETOs को शोकॉज थमा दिए गए। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए एक माह की मोहलत। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद असर की ढोलनवाल आमद। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अहले इलाका के मसाइल सुने, बोले पूरे मुल्क की तरह ढोलनवाल से भी गंदगी का सफाया करेंगे। लस्को चीफ को हिदायत दी है, बिजली के मसाइल हल करें, आवाम थोड़ा सा वक्त दें, UC-95 को मॉडल बनाएंगे। बादामी बाग थाने की स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की तामीर मुकम्मल। 4 मंजिला नई इमारत का इफ्तिताह आज होगा। 4 किनाल अराजी पर कायम इमारत पर 3 करोड़ रुपए लागत आई। 24 कमरे और 2 हवालात हैं। बिल्डिंग का इफ्तिताह शहीद हेड कांस्टेबल सईद का बेटा करेगा। वलंसिया टाउन मैनेजमेंट कमेटी का इंतखाबी मार्का ख्वाजा फुरकान ग्रुप ने जीत लिया। ख्वाजा फुरकान 816 वोट लेकर वलंसिया टाउन कमेटी के सदर मुंतखब। इतिहाद ग्रुप 388 और आसिम ग्रुप के 378 वोट। फातेह ग्रुप का जीत पर जश्न, सपोर्टर्स के भंगड़े, अहदेदारों पर गुलपाशी। अंजुमन ताजरान लाहौर कारोबारी और समाजी रहनुमाओं के एजाज में जहराना। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन, जाहिद मकसूद भट्ट समेत दीगर की शिरकत। मास्टर पेंट्स ब्लैक ने नेशनल ओपन पोलो कायदे आजम गोल्ड कप जीत लिया। मास्टर पेंट्स ग्रे को 10-6 से शिकस्त। शहरियों की बड़ी तादाद ने पोलो का फाइनल देखा। विफाकी वजीर शफकत महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इनामात भी तकसीम किए। और अली इंस्टीट्यूट में दी लाहौर लाइसियम स्कूल का रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। तुलबा का मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल प्री स्कूल करिकुलम का सालाना स्पोर्ट्स गाला। तुलबा की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गुलकार जवाद अहमद की भी शिरकत।